सी आराध्य देवी और एक हमारी कुल देवी। पेपर में पूछेगा वो, यानी कि तुम्हारे काजल यानी राठौर वंश की कुल देवी, ठीक है ना, चौहान वंश की कुल देवी, यानी तुम्हारे यानी किसकी कछुआ वंश की आराध्य देवी, ऐसे पूछेंगे, ठीक है ना। बड़ी अच्छी अच्छी तरीके से समझना, अगर ये दोनों शब्द समझ में नहीं आए तो फिर बताना। मैंने कहा यानी कि राजस्थान की लोक देवी, लोक देविया करने से पहले कितने शब्द हमारे, दो। पहला हमारा आराध्य लोक देवी, आराध्य लोक देवी। दूसरा हमारा कौन सा, कुल देवी। कुल देवी के में यानी ऐसी जो लड़की ने जिस कुल में जन्म लिया हो, ठीक है ना, किसमें, अपने कुल में, अपने ही वंश में, अपने ही परिवार में, और परिवार में जन्म लेने के बाद में यानी कि उसकी हो जाती मृत्यु, मृत्यु हो जाने के बाद में कुछ देवी के नाम से पूजा जाता है, ठीक है ना, उसे कहेंगे कौन सी, कुल देवी। कौन सी, कुल देवी। और आराध्य देवी ऐसी जो उन्होंने अपने अपने वंश में परिवार में जन्म नहीं लिया हो और केवल हम उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उसे कहते हैं हम आराध्य देवी। आराध्य देवी को एक और नाम होता है तुम्हारा इष्ट देवी, सॉरी कौन सी, इष्ट देवी। कौन सी, इष्ट देवी। समझ में आ गई हमारे दो, एक तो हमारे आराध्य और एक हमारी कुल देवी। कुल देवी क्या है, यानी कि ऐसी जो यानी कि किसी लड़की ने यानी किसी महिला ने यानी अपने कुल में यानी क्या लिया हो, जन्म लिया हो, और जन्म लेने के पश्चात, ठीक है ना, उसकी हो जाती है मृत्यु, और मृत्यु हो जाने के बाद में यानी कोई लोगों के द्वारा उसको पूजा जाता है, उसे कहते हैं हम क्या, कुल देवी। और आराध्य देवी ऐसी जो अपने परिवार में क्या नहीं लिया हो, जन्म नहीं लिया हो, और फिर भी क्या जाती है, वो पूजी जाती है, तो उसे कहते हैं हम आराध्य देवी। अब तुम मुझे बताओ कौन कौन सी समझ में आई, आ रहा है ना, पहले इन दोनों लाइनें लिखो, लिखो पहले, पहली हमारी कुल देवी, कुल देवी, वो देवी जिन्होंने जिन्होंने अपने कुल में, अपने कुल में या परिवार में, परिवार या वंश में जन्म लिया हो, जन्म लिया हो, वो है कुल देवी के रूप में पूजी जाती है, कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। दूसरा हमारा आराध्य देवी, आराध्य देवी, वह देवी उन्होंने, वह देवी जिसने किसी दूसरे वंश में, दूसरे वंश में जन्म लिया हो, जन्म लिया हो और उसकी आराधना करते हैं और उस देवी की आराधना आराधना और पूजा करते हैं, करते हैं, उसे आराध्य देवी के, आराध्य देवी के रूप में पूजा, रूप में पूजा जाता है। उस देवी की आराधना या पूजा करते हैं, आराधना या पूजा करते हैं। आराधना या पूजा करते हैं।
उतार लिया। समझ में आ गई ना? कुल देवी और आराध्य देवी, मैंने कहा यानी कि ऐसी देवी जिन्होंने यानी कि क्या लिया, अपने परिवार में, अपने कुल में, अपने वंश में जन्म लिया हो, वो पूजी जाएगी कुल देवी के रूप में। और ऐसी देवी यानी कि उनका जन्म यानी कि कोई और दूसरे वंश में जन्म हुआ हो, ठीक है ना, और यानी कि हमारे द्वारा वो पूजी जाती है, तो वो पूजी जाती है, वो हम किसके रूप में आराधना की जाती है, उसे आराध्य आराध्य देवी के रूप में पूजा जाता है। इन दोनों में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब यहाँ से आगे आएगा कि चौहान वंश की कुल देवी, चौहान वंश की आराध्य देवी, ठीक है ना, ऐसे यानी कि एग्जामिनर यानी पूछेगा बाई चांस, ठीक है ना, तो तुम्हें भाई हिसाब से पढ़ना होगा। अब पहली माता डालो, तुम पहली देवी डालो कौन सी, यानी कि जमवा माता, जमवाए माता, पहली हमारी जमवाए माता, जमवाए देवी या जमवाए माता, लिख लिया ना। अब पेन को फिर कर दो बंद, अब बोर्ड पे ध्यान देना, अच्छी तरीका से समझना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर था तुम्हारे एक धुनान प्रदेश, कौन सा प्रदेश, धुनान, ठीक है ना, धुनान प्रदेश। अब धुनान प्रदेश में सबसे पहले देखो, धुनान प्रदेश है अपने यानी कि तुम्हारे यानी कि धुनान प्रदेश, या में यानी कि रहते हैं तुम्हारे कछवा वंश, कौन सा वंश, कछवा वंश, और कछवा वंश ये तुम्हारे कहाँ, जयपुर। और कछवा वंश में सबसे पहले यानी कि तुम्हारे यानी कि जो राजधानी बनी, सबसे पहले बनी तुम्हारी कौन सी, दौसा, कौन सी, दौसा। नंबर दो पे माची, नंबर दूसरी पे माची, फिर बनी तुम्हारी कौन सी, आमेर, फिर बनी आमेर, और चौथी बनी तुम्हारी कौन सी, जयपुर, कौन सी बनी, जयपुर। यानी कछवा वंश की केवल कितनी राजधानी, चार, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जयपुर, ठीक है ना। जो सबसे पहले यानी दौसा यानी राजधानी बनाई, वो बनाई यानी कछवा वंश का एक शासक था, उसका नाम था दूल्हे राय, दूल्हे राय। और इसका नाम दूसरा था ढोला, क्या नाम था, ढोला, दूल्हे राय या ढोला। सबसे पहले यानी कछवा वंश का शासक था तुम्हारे दूल्हे राय, और दूल्हे राय ने बनाई थी सबसे पहले कौन सी, दौसा, और दौसा बनाई तो फिर उसके बाद में फिर बनी तुम्हारी कौन सी, माची, और माची यानी राजधानी बनाई वो किसने बनाई, दूल्हे राय ने। तो दूल्हे राय ने कितनी राजधानी बना दी, दो, पहली दौसा, दूसरी माची। कहा जाता है जो कछवा वंश है, ठीक है ना, ये कछवा वंश यानी कि भगवान राम के और पुत्र लव और कुश, और ये माने जाते कुश के वंशज, किसके, कुश के वंशज। तो दूल्हे राय ने क्या किया यानी कि कुश के वंशज माने जाते, तो इस माची को अपने भगवान राम अपने पूर्वज, ठीक है ना, भगवान राम के नाम पर रख दिया था, इसको क्या, रामगढ़, किसको, माची को, किसने, दूल्हे राय ने, किसने, दूल्हे राय ने। मैंने कहा दूल्हे राय ने सबसे पहले राजधानी बनाई कौन सी, दौसा, दूसरी माची, तीसरी आमेर, चौथी जयपुर, और दूल्हे राय ने सबसे पहले बनाई थी तुम्हारी दौसा, तो दूसरी बनाई माची, और माची कहा जाता है यानी कछवा वंश जो माना जाता है वो कुश वंश से माना जाता है। तो भगवान राम के नाम पर और दूल्हे राय ने माची का नाम बदल दिया था, और रख दिया क्या, रामगढ़, क्या रख दिया, रामगढ़। और रामगढ़ रखने के बाद ध्यान दो, अब दूल्हे राय की एक पत्नी थी, ठीक है ना, उसका नाम था मारुनी, क्या नाम था, मारुनी। आपने जो कथा सुनी होगी ढोला मारू की कथा, ठीक है ना, ये बड़ी प्रेम कहानी थी, ठीक है ना, ढोला मारू की कथा। और यानी कि इनकी पत्नी थी तुम्हारी कौन, मारुनी, यानी इन दोनों से यानी संतान पैदा होती है, ठीक है ना, और एक लड़की पुत्री पैदा होती है, उसका नाम है तुम्हारी बुढ़वाय, क्या नाम है, बुढ़वाय। और बुढ़वाय यानी कि इन्होंने जन्म लिया था यानी कि किससे, यानी कि तुम्हारी एक दूल्हे राय और इनकी पत्नी मारुनी, इन दोनों ने जन्म दिया था अपनी पुत्री के लिए, ठीक है ना, और उसका नाम था तुम्हारा क्या, बुढ़वाय, क्या नाम था, बुढ़वाय। इसकी क्या बचपन में ही मृत्यु हो जाती है, किसकी, बुढ़वाय की। और बुढ़वाय की बचपन में मृत्यु हो जाने के बाद में यानी कि कुछ दिनों के बाद और यानी कि जो मृत्यु हो जाती है, फिर ये देवी के रूप में पूजी जाती है, और इसका नाम बदल दिया था, और उसका नाम बदल दिया, क्या रख दिया, जमवाय माता, जमवाय नाम रख दिया था, किसका, यानी कि बुढ़वाय का। बुढ़वाय जैसी जन्म लिया था, जन्म होने के बाद में कुछ दिनों के पश्चात ये मर जाती है, ठीक है ना, कौन, तुम्हारी बुढ़वाय। और बुढ़वाय मरने के बाद में यानी कि फिर लोगों द्वारा ये पूजी जाती है, और इसका नाम नामकरण किया दोबारा, यानी कि इसका नाम बदला था क्या, जमवाय। तो यानी कि किसने, दूल्हे राय ने, और दूल्हे राय ने इस जमवाय माता का मंदिर बनवाया था तुम्हारे कहां, रामगढ़ में।
कहाँ पे? रामगढ़ में। या माची, रमाची का नाम बदल कर रखा था क्या? रामगढ़। और रामगढ़ में मंदिर बनवाया था किसका? जमवा का। तो इस मंदिर को माना जाता है यानी जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़। यहां तक समझ में आया था? दोबारा समझो। मैंने कहा था सबसे पहले जो धुनान प्रदेश में था, धुनान प्रदेश में तुम्हारा कौन सा वंश? कछवा वंश। कछवा वंश में सबसे पहले यानी राजधानी बनी कितनी? चार। कितनी? चार। पहली कौन सी? दौसा। दूसरी? तीसरी? चौथी? यानी पहली यानी कि तुम्हारी राजधानी बनी उसका निर्माण किसने करवाया था? दूल्हे राय ने। दूसरी का? माची ने। और तीसरी यानी कि तुम्हारी बनी आमेर, और आमेर का निर्माण करवाया था तुम्हारे कोकिल देव ने। कौन है? कोकिल देव ने। और इसका निर्माण करवाया था तुम्हारे कौन से? सवाई जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने। ठीक है ना, चार राजधानी हो गई। पहली और दूसरी का निर्माण करवाया तुम्हारे कौन है? दूल्हे राय ने। और तीसरी राजधानी बनाई वो किसने बनाई? कोकिल देव ने। यानी कि दूल्हे राय का बेटा था तुम्हारे कोकिल देव, और कोकिल देव ने बनाई कौन सी? आमेर। और चौथी बनी कौन सी? जयपुर। किसने बनाई? सवाई जयसिंह ने। मैंने कहा था यानी कि तुम्हारी मारुनी और दूल्हे, दूल्हे राय ठीक है ना, इन दोनों से यानी कि एक पुत्री जन्म लेती है, और वो होती है तुम्हारी कौन सी? बुढ़वा है। और बुढ़वा है यानी बचपन अवस्था में क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु हो जाने के बाद में फिर यानी कि इसे पूजा जाता है, उसका नाम बदल कर रखा क्या? जमवाय। और जमवाय माता का मंदिर बनवाया था किसी ने? दूल्हे राय ने। और दूल्हे राय ने मंदिर बनवाया था कहाँ? रामगढ़। और रामगढ़ यानी फिर उसका पूरा नाम बदल देखा जमवा रामगढ़। और ये कहाँ पे तुम्हारे? जयपुर। कहाँ पे? जयपुर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है का? अब देखो तुम्हारी यदि कौन सी? जम्बाय माता, जम्बाय माता, जम्बाय माता का आप बता दो तुम मंदिर, मंदिर कहां पर? आप इसका जम्बा रामगढ़, जम्बा रामगढ़। और ये पता तुम्हारे कहां? जयपुर। कहां पे? जयपुर। इस मंदिर का निर्माण अब बता दो निर्माण कौन करवाया? दूल्हे राय ने, दूल्हे राय ने। ठीक है ना। और तुम्हारे यानी तीसरे यानी दूल्हे राय ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया था किसका? यानी जम्बाय माता का। और इसके बचपन का नाम था क्या? बचपन का नाम, बचपन का नाम बुढ़वाय। ठीक है ना, क्या है? बुढ़वाय। यहां तक कोई प्रॉब्लम है का? तो अब बता दे तुम्हें ये इन्होंने जन्म लिया था कौन से वंश में? कछवा वंश में। तो कौन सी देवी? कुल देवी। काय की? कछवा वंश की कुल देवी। समझ में आया ना? अभी इन्होंने जन्म लिया था कछवा वंश में, तो हो गई क्या? कुल देवी। कौन से वंश की? कछवा वंश की। तो ये कछवा वंश की कुल देवी, कछवा वंश की कुल देवी। ठीक है ना, यहां तक कोई प्रॉब्लम है का? कौन सी माता? जम्बाय माता। जम्बाय माता के बचपन का नाम क्या है? बुढ़वाय। क्या नाम है? बुढ़वाय। और इसके मंदिर का निर्माण करवा कौन करवाया था? दूल्हे राय ने। और दूल्हे राय ने, और इसके जो मंदिर है कहाँ पे तुम्हारे? जम्बा रामगढ़ में, जम्बा रामगढ़ में। दूल्हे राय इतने सुंदर थे क्योंकि यानी कि ये दूल्हे के वेश में रहते 24 घंटे। ठीक है ना, तब कहा जाता है इन्हें दूल्हे राय। और दूल्हे राय ने पहली राजधानी बनाई कौन सी? दौसा। दूसरी? माची। माची का नाम बदल दिया क्या? रामगढ़। और रामगढ़ बदल, और उसके बाद में तुम्हारी तीसरी कौन सी? आमेर। आमेर का निर्माण यानी कौन के द्वारा? कोकिल देव। चौथी हमारी कौन सी? कौन है बनवाई? यहां तक कोई प्रॉब्लम है था? तो एक बार ऐसे कैसे छाप दो।